यूपी के कौशाम्बी में जमीन के टुकड़े की खातिर भतीजे ने अपने सगे चाचा की हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी भतीजा मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी। क्या बोलते हैं, जमीन विवाद था, जमीन इन्होंने बेचा, मनीष कुमार के पिताजी भगवान प्रसाद द्विवेदी ने और लक्ष्मी प्रसाद द्विवेदी ने खरीदा, बैनामा करवाया, तो उसके पिता क्या बोलते हैं उनका लड़का छोटा द्विवेदी जो क्या बोलते मनीष कुमार द्विवेदी, उन्होंने गाली गुप्ता दिया कि इनके घर पे चढ़ के घर में लोहा लक्कड़ लिया था, बाछर और चापा, उसको मारा। उसके बाद चाची थी हमारी, उनको गाली गुप्ता दिया। उसके बाद छोटे वाले लड़का का अंकित को ढूंढने लगा कि आप इसको जहां मिलेंगे एक एक करके काट डालेंगे, मार डालेंगे, यही सब करता रहा। उसके बाद फिर चाचा जी हमारे ढूंढने गए, उससे नहीं उधर मुलाकात हुई, फिर इधर आया, क्या बोलते हैं खेत की तरफ हमारे चाचा गए थे, उनको वहां पे पाया, मारा और मार के भाग गया। कहा जो गवाही देगा उसको भी मारेंगे। चाचा क्या हुआ? चाचा हमारी डेथ हो गई। क्या नाम है? लक्ष्मी प्रसाद। हमारा नाम विद्या भास्कर द्विवेदी। थाना पिपरी में आज दुर्गापुर गांव में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। यह हत्या उनके भतीजे के द्वारा संपत्ति विवाद के कारण की गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और गिरफ्तारी कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।